दोस्तों, आप सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी तो रेल की यात्रा जरूर की होगी। रेल में सफर करना एक अलग ही अनुभव रहता है। दोस्तों, आपने नॉर्मल ट्रेन का सफर किया होगा, लेकिन शायद ही ऐसा खतरनाक ट्रेन का सफर किया हो जैसा आज मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ दुनिया के 5 सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक के बारे में, जिसमें आप भूल कर भी सफर नहीं करना चाहेंगे। इनमें से कुछ ट्रैक इतने खतरनाक हैं कि कमजोर दिल वालों को यहाँ सफर नहीं करने दिया जाता, और कुछ ट्रैक तो ऐसे हैं जिनको बनाने में काफी वर्कर्स ने अपनी जान गंवा दी। तो चलिए दिखाते हैं आपको दुनिया के 5 सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स को। इस लिस्ट में पहले नंबर पर आता है अर्जेंटीना का साल्टा पोलवेरिलो ट्रैक। दोस्तों, साल्टा को चिली से जोड़ता पोलवेरिलो रेलवे ट्रैक दुनिया का सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक में से एक माना जाता है। ये रेलवे ट्रैक 217 किलोमीटर लंबा है, जिसे बनाने में तकरीबन 27 साल लग गए थे। इस ट्रैक को खतरनाक बनाती है इसकी ऊंचाई और टेढ़े मेढ़े मोड़। ये रेलवे ट्रैक 4200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ सफर करना रोमांचक और डरावना होता है। ये रेलवे ट्रैक 29 पुलों और 21 सुरंगों से होकर गुजरता है, इसलिए यहाँ केवल हिम्मत वाले ही सफर कर पाते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है एसो मियामी रूट, जो कि जापान में स्थित है। मियामी एसो रेलवे ट्रैक जापान के सबसे चुनौतीपूर्ण रेलवे पटरियों में आती है। ये रूट जापान में माउंट एसो के क्षेत्र को पार करता है। इस रूट के आसपास कई सक्रिय ज्वालामुखी भी हैं, जिस कारण ये रूट बहुत ही खतरनाक माना जाता है। ये ट्रैक 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक डरावना ट्रैक है, जो कि सुंदर नजारों के साथ साथ एक डरावने सफर पर ले जाता है। दोस्तों, इसके बाद अगले स्थान पर आता है चेन्नई से रामेश्वरम रूट। दोस्तों, खतरनाक रेलवे रूट्स विदेशों में ही नहीं बल्कि हमारे देश भारत में भी हैं, जहां लोग दिल थामकर यात्रा करते हैं। दोस्तों, चेन्नई और रामेश्वरम को जोड़ने वाला रूट दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे रूट्स में से एक माना जाता है। इस रूट का रेलवे ट्रैक हिंद महासागर के ऊपर बना है, जो कि 2.3 किलोमीटर लंबा है। समुद्र के ऊपर हवाओं और लहरों से गुजरता ये रूट इसे बहुत ही खतरनाक बना देता है। इसका निर्माण 1914 में किया गया था। एडवेंचर का शौक रखने वाले लोग यहाँ ट्रेन की सवारी करने आते हैं। दोस्तों, इसके बाद अगले स्थान पर आता है बैंकॉक का रेलवे ट्रैक। दोस्तों, बैंकॉक में बना ये रेलवे रूट भीड़ भाड़ वाले बाजार से होकर गुजरता है। ये थाईलैंड का सबसे अनोखा मार्केट है। यहाँ लोग रेलवे ट्रैक पर ही फल और सब्जियाँ बेचते हैं, और जैसे ही ट्रेन की आवाज सुनाई देती है, सभी लोग सामान को लेकर किनारे हो जाते हैं। यहाँ मार्केट के बीच रोज एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है। दिन भर में करीब 8 बार इस ट्रैक से होकर ट्रेन गुजरती है। थोड़ी सी भी सावधानी हटने पर यहाँ कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। देखने में ट्रैक जितना अच्छा नजर आता है, उतना ही खतरनाक भी है। दोस्तों, इसके बाद अगला खतरनाक ट्रैक है डेविल्स नोज, जो कि इक्वाडोर में है। दोस्तों, ये रेलवे ट्रैक समुद्र तल से करीब 9000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इस ट्रैक का निर्माण 1872 में शुरू हुआ था, और 1905 में ये ट्रैक बनकर तैयार हो गया था। कहा जाता है कि इस ट्रैक के निर्माण के दौरान सैकड़ों मजदूरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इस ट्रैक को डेविल्स नोज यानी शैतान की नाक वाला ट्रैक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मोड़ इतने ज्यादा हैं कि ड्राइवर की एक गलती से कई लोगों की जान जा सकती है। दोस्तों, आपको इन 5 ट्रैक में से सबसे खतरनाक ट्रैक कौन सा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।